हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौहान्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं डिलीशियस कटोरी चाट। इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी बनाना देख लेते हैं। कटोरी चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल मैदा लिया है, ये सफ़ेद मटर मैंने एक बाउल लिए हैं, ये रिफाइंड ऑयल लिया है, ये नमक एज पर टेस्ट लेंगे हम, और ये अजवाइन लिया है। ये हम एक बाउल पहले मटर लेंगे, इसको हम एक बड़े बाउल में डालेंगे और इसको तीन बार अच्छे से पानी से धो लेंगे। इसको तीन बार धोने के बाद इसमें हम पानी डाल के या तो 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट आप सोख करके इसको फूलने के लिए रख दीजिए। ये मैंने रात भर फूलने के लिए छोड़ दिए थे। देखिए हमारे मटर फूलकर रेडी हैं। अब हम इसको प्रेशर कुकर में 3 सीटी लगाएंगे। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम अपने मटर को 3 सीटी आने तक बॉईल करेंगे और धीमी आंच पे 5 मिनट उसको रखेंगे। मटर इसमें डालने के बाद ये मटर डूबे उतना पानी हमको इसमें डालना है और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। हल्दी डाल के इसको हिला देंगे अच्छे से और कुकर में हम 3 सीटी आने तक इसको मध्यम आंच पे, मीडियम आंच पे इसको सीटी लगाएंगे 3, और 5 मिनट इसको कम आंच पे भी रखेंगे। ये हमारा कुकर रेडी है। 3 सीटी करके हमने 5 मिनट इसको धीमे आंच पे किया था। ये देखिए हमारे चने बनके रेडी हैं। देखिए अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरीके से सब चनों को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम एक परात लेंगे, इसमें आटा गूंदेंगे। उसके लिए ये मैंने मैदा लिया है एक बाउल, उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे और इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। ये हमारा सॉफ्ट डो लुक बनके रेडी है। देखिए इस टाइप से होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा तेल स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर और इसको थोड़ा सा मसल लेंगे अच्छे से। अब इसके हम इतने साइज के गोले बनाएंगे। देखिए ये रोटी के साइज के गोले हैं। अब इनको हम गोल आकार में बेलेंगे। थोड़ा सा हम आटा लगा लेंगे और इसको हम बेलेंगे। अगर ये चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और आटा भी लगा सकते हैं। इस तरीके से साइड साइड से ऐसे बेलते हुए इसको बड़ा करेंगे। हमने यहाँ पे ऐसी प्लेट ली है और इसके हिसाब से हमको ये प्लेट का ये जो नाप है ये बड़ा होना चाहिए, यहाँ तक हमको आना है। इस हिसाब से हम इसको बेलेंगे। इसकी थिकनेस ज़्यादा मोटी नहीं रखेंगे, इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। इस तरीके से हम एक बड़ी रोटी जैसा बेल लेंगे इसको इस तरीके से। ये देखिए हमने बड़ी रोटी बेल ली है। अब हमको इस प्लेट को प्लेट के साइड साइड से इस तरीके से इसको लगाना है, इस तरीके से इसको हमको लगाना है। इसीलिए
हम इस प्लेट के इस साइड साइड से ऐसे चिपकाते हुए इसको जोड़ेंगे। ये देखिए, इस किनारे किनारे पे सिर्फ हमको इसको प्रेस करना है और जो भी एक्स्ट्रा है इसको हमको निकाल लेना है। ये जो भी एक्स्ट्रा है ये इस तरीके से हमको आटा को निकाल लेना है। जोड़ते हुए हम आटा को निकाल लेंगे। ये रोटी को हमने इस तरीके से प्लेट में लगा दिया है चारों तरफ से। अब हम इसको तलेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, ये कटोरी डूबे इतना तक। उसको थोड़ा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद ये प्लेट जिसपे हमने इस तरीके से रोटी को चिपकाया था मेट, उसको हम डालेंगे। डाल के हम मीडियम आंच पे इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए तलेंगे। चारों तरफ से इसको ऐसे हिलाते हुए इसको तलेंगे। थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही इसमें से निकल जाएगा और प्लेट अलग हो जाएगी। इस तरीके से हम तलेंगे। ये देखिए, ये कटोरी जैसे जैसे ये तेल से सिकने लगेगा नीचे, ये अपने आप ही कटोरी को छोड़ देगा। ये देखिए, इस तरीके से ये कटोरी हमारी बाहर आ जाती है। हम कटोरी को इस तरीके से निकाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा तेल इसी कटोरी से लेके हम इसके ऊपर भी डालेंगे ताकि ये नीचे से भी पक जाए और ऊपर से भी हमारा ये बास्केट बनकर रेडी हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बास्केट बनकर रेडी है। नीचे से भी अच्छे से पक गई है और ऊपर से भी साइड साइड से चारों तरफ से लाल हो गया है। इसका मतलब ये बनकर रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से इसका पूरा तेल निकाल के हम एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। सबसे पहले थोड़े से आलू जो मैंने बॉईल करके लिए हैं वो डाल देंगे। उसके बाद ये जो हमने चने को बॉईल करके रखा था उसको डालेंगे। इस तरीके से उसको फिल करेंगे। इस तरीके से हम चनों को अच्छे से डालेंगे। उसके बाद इसमें हम इस तरीके से दही डालेंगे। उसके बाद इसमें हम हरी चटनी थोड़ी डालेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा टोमेटो सॉस डालेंगे, मीठा वाला जो आता है टोमेटो सॉस वो डालेंगे। इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा अनारदाना हम डालेंगे इसमें। ये हम छोटी सेव जो आती है नायलॉन सेव, उससे इसको ऊपर नीचे चारों तरफ से डालेंगे और इसको हम धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। इस तरीके से हमारी ये पॉकेट बनकर रेडी है। ये पॉकेट खाने के लिए रेडी है। अब इसमें ऊपर से हम थोड़ा सा लेमन जूस भी डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पॉकेट बनकर रेडी है। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।